Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, because whenever we upload new video you would get notification on your phone. हेलो एवरीवन, नमस्ते, दिस इज शिखा पाटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. नाउ इट्स पिंग 3:30 PM ऑफ आफ्टरनून. सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. गाइस, आज मैं केलवा बीच आई हूँ. एक्चुअली मैं आप सबको पूरा मतलब सफारी टू केलवा बीच जैसे व्लॉग दिखाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, आज का दिन पूरा ही ख़राब है. हमारे गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए हम लोग गैराज में गए थे और फिर क्या व्लॉग बनाए नहीं. उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पालघर गए थे क्योंकि हमारा थोड़ा काम था, तो रेट्स हम लोग पालघर गए. फिर पालघर में काम वगैरह किया, तो मैं सोची कि पालघर टू केलवा दिखाती हूँ. तो तभी भी मतलब पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि काम था और बहुत मतलब सफोकेशन हो रहा था मास में. फिर हम लोगों ने पहले में पालघर जाने से पहले माहिम का जो फेमस वड़ा पाव है वो एक्सप्लोर करने वाले थे हम लोग. लेकिन क्या हुआ, हम लोग वहाँ गए और देखा तो वड़ा पाव ही ख़त्म था, तो वहाँ भी हमारा पोपट हो गया. तो उसके बाद हम लोग गए पालघर और फिर सोचे वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम ही मिला नहीं, पॉसिबल हुआ नहीं. पूरा आज पालघर में मार्केट था, तो दैट्स वाई पूरा पालघर भरा हुआ था और पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि कहाँ व्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ. और मुझे कार में तो स्टार्ट करना ही नहीं था. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. और फिर मैंने ट्राई तो किया लेकिन हो ही नहीं रहा था, बहुत काम वगैरह भी थे इसके लिए पॉसिबल हुआ नहीं. और फिर दैट्स वाई मैंने क्या किया, फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए पालघर से यहाँ केलवा बीच. तो इसके लिए मैं अभी मेरे व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैं आपको अभी केलवा बीच पूरा दिखाती हूँ. सो मैं आज केलवा बीच एक्सप्लोर करने वाली हूँ. सो लेट्स गो. वर्षापासून इकडे केळवा बीचवर नारळ आणि भाजी वगैरे विकतात. सो आपण त्यांना काही प्रश्न विचारूया. म्हणजे आता कधीपासून तरी तुम्ही आता इकडे म्हणजे नारळ वगैरे विकायला बसायला लागलाय? आता म्हणजे कोरोना गेल्यानंतर एक महिन्याने चालू केला. एक महिने, दोन महिने झाले का? मग आता तरी लोकांची गर्दी वगैरे कशी असते? गर्दी थोडी वाढली असेल ना? हा, खूप लोक येत असतील ना आता तरी. Thank you.
अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। वैसा ये है, कितना भी पानी में जाए ये फूका ही रहेगा। एक इधर को फिर से देखो, फिर से गए पागल इंसान। पागल इंसान को देखो, गौर से देखो, देखना क्या गौर से देखो उस पागल। गजब बेइज्जती है। इतना पैंडेमिक है तभी भी, मतलब इतनी भीड़ है यहाँ पे। वैसे तो आज फ्राइडे है लेकिन सैटरडे संडे आते तो बाप रे, यहाँ पे खड़े रहने की भी जगह नहीं होती, इतना पूरा भीड़ होता है। ये देखो आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत फॉग है यहाँ पे। आप देख सकते हो मेरे पीछे, मेरे को बहुत भीड़ है, बहुत लोग है यहाँ पे। और हॉर्स राइडिंग वगैरह भी सब है यहाँ पे, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग सब चालू है, सब खेले वगैरह भी चालू है। तो आप आ सकते हो कभी भी और एंजॉय कर सकते हो। सो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देखो कैमल राइडिंग है, बाइक राइडिंग भी है। तो ये देखो ये सब उसमें ही बैठे थे, तो ये सब बाइक राइडिंग का मजा ले रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि लोगों को कैसे लग रहा है यहाँ पे सब, मतलब पैंडेमिक चालू है लेकिन यहाँ पे आकर इन लोगों को कैसे लग रहा है, मीन्स सब सब राइडिंग्स वगैरह करके, या फिर कुछ पैंडेमिक है इसके लिए अजीब लग रहा है या नहीं लग रहा है उसको लोगों को कुछ। थोड़ा नॉर्मल भी लग रहा है, थोड़ा मास्क भी लगाना पड़ता है। कैसे एंजॉय करेंगे, बहुत अजीब लगता है ना। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. कचरा भी डालते हो, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कचरा वगैरह प्लीज
प्लीज पानी में मत डालो, उसकी वजह से पानी हमारा दूषित हो जाता है। तो आप ग्राम पंचायत वालों ने जो सुविधा दी हुई है वहाँ पे आप डाल सकते हो। सो गाइस, ये पागल इंसान फिर से मेरे साथ आ गया है और अभी हम लोग गोला खाने वाले हैं। और हम लोग जब भी केलवा भी जाते हैं गोला खा कर ही जाते हैं, क्योंकि गोला हमारा फेवरेट है। कुछ नहीं खाया तो चलेगा, लेकिन गोला तो चाहिए। ये देखो पागल इंसान, देखो इसके, ये देखो काला पागल इंसान को अच्छे से देखो, किधर मिला ना इसको, तो तू पता नहीं, मारो इसको, मारो मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। We must merely make a start. Savannah, so guys, हमारा गोला खाकर हो चुका है और बहुत मजा आया गोला खाकर। आपको हमारे मुंह से ही पता चल गया होगा। सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सो गाइस, ये जो गोला का स्टॉल है, ये लोग बिस्लेरी का पानी यूज करते हैं अपने अपना गोला वगैरह बनाने के लिए। आप पढ़ सकते हो केलवा बीच का फेमस गोला। और यू कैन सी, वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये पूरा बिस्लेरी का पानी यूज करते हैं अपना गोला बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। सो गाइस, सब लोगों को गोला तो पसंद ही रहता है, लेकिन लोग कभी कभी घबराते हैं कि मतलब कौन सा पानी यूज़ करते होंगे कौन सा नहीं। लेकिन ये जो है, मैंने पहली बार देखा कि एक गोला वाले मतलब बिस्लेरी का पानी यूज़ कर रहे। तो आप निश्चिंत हो के खा सकते हो गोला, तो ऑब्वियसली यहाँ आना और ज़रूर ट्राई करना। देखिए, मुझे बहुत इसकी जो टेस्ट है मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सेकेंड टाइम आई हूँ यहाँ पर खाने के लिए, तो आप ऑब्वियसली ज़रूर आना। ओके, सो गाइस, अभी हम लोग सेव पूरी खाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को सेव पूरी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो और केलवा बीच आया और सेव पूरी वगैरह नहीं खाया तो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए अभी हम लोग सेव पूरी लेने वाले हैं। जगदीश डांगी। आणि तुमचे स्टॉलचं नाव काय आहे? कैलाश बेलपुरी सेंटर। आणि तुम्ही किती वर्षापासून इकडे बीचवरती? 2003 पासून येते। ओके ओके, आणि लोकांची गर्दी वगैरे कशी असते तुमच्या स्टॉलवर? तरी जाम गर्दी असते, कधी कधी परत लोक जायचे, लोक परत लोक। मला पण आवडते, टेस्ट मस्तच बनवतात। आणखी आता स्पेशालिटी काय, तशी तुमच्या जास्त लोक काय घेतात? शेवपुरी पाणीपुरी जास्त। ओके, डायरेक्ट प्लेट मध्ये भरून देते, तरी लोक खाऊन जाते। अरे वा, मस्तच। आणि आता कोरोना संपल्यापासून आता तुम्ही कधीपासून बसतात तरी? म्हणजे आज 2008 तारखेपासून बसलं। नाही, पुरीपासून शेवपासून सगळे घरीच बनवतो। घरीच बारसे नाही। आणि तुम्ही किती वाजता तुमचे स्टॉल बसवता? सकाळी 11 पासून संध्याकाळी 7 लॉकडाऊन मध्ये सगळं बंद होतं, काय फरक पडला? काहीच फरक पडला नाही धंद्याला, तर ओके जास्त होतं पण कमी। तुमचे असं म्हणजे कुठे ब्रांचेस आहेत का? तुमचं एकच आहे? एकच आपलं एकच। कोणी बोलवत होतं जाते, मी सकाळपर्यंत जाते बोलवत होते, बलसाड पॅसेंजरला पण असतो 7 ओके। आणि स्टॉलचं नाव काय बोलले? कैलाश बेलपुरी सेंटर। ओके ओके, थँक्यू। Lions gone and come, the birds have just begun. सो गाइज, हम लोग फाइनली घर पे आ गए। मैंने केलवा 2 सफाले फिर से व्लॉग बनाए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सुबह पहले 4 वड़ा पाव खाए थे, फिर गोला खाया था, फिर एक प्लेट सेव पूरी, फिर पानी पूरी और बहुत कुछ अंदर खाया था। इसके पूरे इतना पेट पूरा पैक हो गया था ना, मतलब उठने की भी हालत नहीं हो रही थी। तो दैट्स वाई फिर मैंने कुछ व्लॉग वगैरह बनाने और पूरे थक गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह निकले थे और रात भी हो गई थी, तो व्लॉग बनाने को पॉसिबल भी हो नहीं रहा था। सो दैट्स वाई मैंने व्लॉग बनाए और डायरेक्ट हम लोग घर पे आए, और इसके लिए मैं अभी घर पे आकर व्लॉग को एंड कर रही हूँ।
So guys, thank you for watching my video. I hope you would like my videos. So please guys, support me and show some love on my videos. I will come soon with many interesting videos. If you like my video, then do like, comment, share and subscribe my channel. And don't forget to click on bell icon. And guys, please follow me on Instagram. I gave link in my description box. Until then, bye-bye. Take care and just stay home, stay safe. दादा इधर तिकड़ ये रहा क्रॉस हाइट वर्कर मोटा है उसका मारे ना दादा अरे है तो मोटा करना लोगो बरोबर थाम हेलो एवरीवन नमस्ते दिस इज ईशिका पाटिल वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दादा मदे मदे नक आइए पकड़ दे देवा कोणी बोलू नका ए बोलू नका सर ए माझा कुठे रुमाल टाकला रे तो माझा हाइट मध्ये नाही करत बस ना मी कसं नाही पण नको